हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज ये 17 मार्च सैटरडे, आज मेरी ये जो GSX S1000 है इसका सर्विसिंग का दिन है। तो गाइस ये जो सर्विसिंग है ये सेकंड सर्विसिंग है मेरी बाइक की। फर्स्ट सर्विसिंग मैंने किया था 500 किलोमीटर्स होने के बाद में, जब मैंने बाइक खरीदा था। वो सर्विसिंग को मैंने किया था लास्ट ईयर के फेब्रुआरी में, यानी कि अभी एक साल पूरा हो रहा है एक सर्विसिंग करके। तो गाइज़ ये जो सुपर बाइक्स होती है इनकी सर्विसिंग मोस्टली या तो आपको एवरी 4000 किलोमीटर्स के बाद में करनी पड़ती है या फिर एक साल के बाद में। तो मेरा 4000 किलोमीटर्स तो नहीं हुआ है, बिकॉज़ ये जो बाइक है ये मैं मोस्टली वीकेंड्स में वीकेंड राइड के लिए यूज़ करता हूँ। तो मेरा शायद 3900 कुछ तो हुआ है किलोमीटर। बट जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट सर्विसिंग करके एक साल हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसका जो सेकेंड सर्विसिंग है वो कर लो। तो गाइज फर्स्ट सर्विसिंग में मैंने इस बाइक में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला था, जो कि 8000 रुपये का आता है। वो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लगा था अपार्ट फ्रॉम ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज। बट इस सर्विसिंग में मुझे वो खर्चा नहीं है, मैं एयर फिल्टर चेंज नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज एक साल में एयर फिल्टर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इतना ख़राब नहीं होता है। इस सर्विसिंग में मुझे नॉर्मल जो चीज़ें वो करनी पड़ेंगी, यानी कि ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, ब्रेक लाइनर्स और आपका एयर फिल्टर क्लीनिंग, ये सब चीज़ें होती है। साथ में वॉशिंग और चेन ल्यूब भी होता है। तो गाइस बहुत लोग सोचते कि ये जो सुपर बाइक से इनका सर्विसिंग का कॉस्ट क्या होता है, या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि सुपर बाइक्स मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। तो गाइस आज मैं सोचा कि इसी टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि सुपर बाइक की सर्विसिंग की कॉस्ट कितनी होती है। तो गाइस ये जो कॉस्ट होती है ये लगभग सेम ही होती है सभी कंपनीज़ की। आप कावासाकी की बाइक ले लो, BMW ले लो या और कोई ले लो। हाँ, थोड़ा ट्रायम की अगर आप बाइक्स लोगे तो ट्रायम की जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जैपनीज़ बाइक्स। तो गाइज मैं कोई गोप्रो नहीं लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पर, बट मैं वहाँ पर जाके आपको वीडियोस जो है वो दिखाऊंगा सर्विसिंग के। मैं अभी लेके जा रहा हूँ इसको ड्रीम सुजुकी में। ड्रीम सुजुकी जो है वो पुणे में ऑथराइज सुजुकी का डीलरशिप है। उनके यहाँ पर आपको सुपर बाइक्स ही मिलेंगी, उनके यहाँ पर आपको नॉर्मल बाइक्स नहीं मिलेंगी। तो गाइज आप इंजॉय करो कुछ सर्विसिंग के सिनेमेटिक्स। तो गाइज आज ये दूसरा दिन, कल रात को सर्विसिंग के लिए बहुत लेट हुआ। कल रात को मुझे घर पे पहुँचते पहुँचते 9:15 हो गए थे, तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो गाइज आप देख रहे हो कि बाइक एकदम चकाचक होके आई है। आप देखोगे यहाँ पर चेन बहुत ही अच्छी तरीके से लूप की उन्होंने उन्होंने कम से कम 1 घंटा लगाया था चेन को लूप करने में। उसके बाद आप देखोगे तो उन्होंने जो डिस्क होती है, ब्रेक लाइनर्स होते हैं, वो भी निकाल कर एक जो एक लिक्विड होता है उसमें साफ किए। आप देखोगे आगे की भी जो डिस्क है और उसके अंदर के जो लाइनर्स है वो भी साफ किए। ओवरऑल बाइक भी बहुत अच्छी तरीके से वॉश हुई है, साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था कि एयर फिल्टर और बाकी की चीज़ें भी साफ़ की है। तो गाइज अब आते हैं बिल की तरफ। ये है उसका बिल, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बिल कितना आया है। तो गाइज ये है बिल मेरे बाइक का कल के सर्विसिंग का। आप देखोगे इसमें उन्होंने ऑयल के लगाया है 4000 रुपीज़। इसमें 3.2 लीटर का ऑयल डाला था। उसके बाद में उन्होंने ऑयल फिल्टर जो है वो 1061 का डाला है। चेन ल्यूब और क्लीनिंग के उन्होंने 800 रुपये लिए है। और ओवरऑल जो सर्विस
जो लेबर कॉस्ट होता है वो 3,000 का लिया है। तो गाइज इस तरीके से मेरा जो बिल था ये आया है 8861। तो गाइज जैसे कि मैं कहता हूँ कि सुपर बाइक्स जो होती है वो लेना तो एक अलग बात है, बट उन्हें मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें हर 3 या 4,000 किलोमीटर्स के बाद में सर्विसिंग को लेके जाना पड़ता है। इस बार मेरा सर्विसिंग का जो कॉस्ट है वो 8,800 रुपीज़ आया था, बट लास्ट टाइम जो मैंने सर्विसिंग किया था वो 13,000 की थी, बिकॉज उसमें मैंने जो एयर फिल्टर है वो चेंज किया था। तो गाइज इस तरीके से जो सुपर बाइक्स होती है इनका मेंटेनेंस का खर्चा होता है, साथ ही में इनका माइलेज तो बहुत कम होता ही है, आपको डे टू डे राइड में भी आपको ये खर्चा देती है, बट जब भी इनका सर्विसिंग आता है तो आपको जो सर्विसिंग जो कॉस्ट होती है वो कार के बराबर होती है। मेरी जो i20 है उसका भी सर्विसिंग का कॉस्ट मुझे 8,000 के आसपास ही आता है, और ये जो सुपर बाइक है इसका भी कॉस्ट मुझे उतना ही आता है। तो गाइज ये था एक स्मॉल वीडियो सुपर बाइक की सर्विसिंग के ऊपर। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे सर्विसिंग कॉस्ट को लेकर या सर्विसिंग पीरियड को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज बनाते रहूंगा। थैंक यू।